इतने दिनों की मेहनत की कमाई, कैसे कैसे मेहनत से व्यक्ति कमाता होगा, लेकिन ऐसे चोरी हो जाना। सर हम आपको अपना एक आप बीती बात बता रहे हैं। हमारे ये छोटे भाई हैं, साल भर पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें हम लोग 6-7 लाख रुपए लगा के इनको बचाए हैं। इनका हाथ भी कट गया है, दिखा दीजिए। उस वजह से हम लोग बहुत परेशान में थे, परेशानी में अभी भी हैं, क्योंकि अब तो जो भी था बचा खुचा, एक उम्मीद था कि चलो इमरजेंसी में आदमी उसी के लिए रखा रहता है कि चलो भाई कभी काम में आ सकता है, लेकिन वो भी हमें अंदाज से सब उठा ही ले गए हैं, अब कुछ बचा नहीं है। फिलहाल में तो अगर घर में ढूंढे तो 10 रुपए तक नहीं मिले। इंतहा की हद हो गई, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का जिला है, गोरखपुर है, और पहली बार हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आपका घर किनारे है, आपके घर के अगल बगल खेत है, तो कृपया आप सावधान हो जाएं, क्योंकि सेम वही सिचुएशन, सेम वही प्रकरण आज हर जगह देखने को मिल रहा है। जहां जहां चोरियां हुई हैं, कुछ दिन पहले छपिया में 7 घरों में चोरियां हुई थी, टाणा में चोरियां हुई थी, सरिया महुलिया में चोरियां हुई है, बगल वाला वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन दूसरे घर में आए हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कैसा सिचुएशन था और घर वाले कहाँ पे थे, ये सब चीजें। भैया क्या नाम है? कृष्णानंद सिंह। कितनी चोरी हुई है यहाँ पे? यहाँ पे हमारा घर का जो भी मतलब गोल्ड था, करीब 8-10 लाख के करीब में था, पूरा का पूरा टोटल उठा ले गए हैं, एक भी नहीं बचा है। कि मतलब एक भी छोड़ दिए होते तो ये होता कि हाँ चलो छूट गया है, लेकिन पूरा का पूरा साफ कर दिए हैं। अच्छा, कहीं आप लोग मतलब जैसे अलग अलग घरों में गए, तो कोई विदेश कमाने रहता था, कोई ये रहता था, आपके परिवार के कोई था क्या ऐसा? हाँ, हमारे बड़े भाई साहब रहते हैं, अभी भी हैं फिलहाल में। तो ये कहीं ना कहीं इस वजह से पूछ रहे हैं, क्योंकि जिस घर में हमने देखा, जिस घर में चोरियाँ हुई, ये वाली हर जगह बात हमें सामने आई कि या तो विदेश रहते हैं या उनके परिवार का कोई था। सेकेंड चीज़ आपको अगर नोटिस करने वाली बात मिलेगी कि हर घर वही है जो किनारे है, और हर घर में सेम वही सिचुएशन। अगर वो लोग अंदर से ये तोड़ के नहीं आते हैं तो ऊपर से चढ़ के आते हैं। आपके घर ऐसे ही सिचुएशन है क्या? ऊपर से गए थे? ऊपर के रास्ते से आए हैं। घर वाले सब छत पे सो रहे होंगे? छत पे भी 2 लोग सोए थे, बाकी पिताजी बाहर यहाँ सोए थे बरामदे में, और अंदर बाकी सब लोग सोए। अच्छा, जो सीसीटीवी फुटेज मिला है, जी, क्या कहना उसके बारे में? उसके बारे में तो हम यही कहेंगे कि अगर प्रशासन चाहे तो जो चोर होते हैं उनको बहुत जल्द पकड़ में ला देती है, लेकिन पुलिस ऐसा कर नहीं सकती और करने में असक्षम है, सक्षम नहीं है। यहाँ पे कौन आया था? पुलिस प्रशासन आई थी? पुलिस प्रशासन आई थी, बस आश्वासन दे के जा रही है, बाकी तो हमें नहीं लग रहा है कि, जहाँ तक उम्मीद है कि हमें नहीं लग रहा है कि ये इनको पकड़ में सब कर पाएंगे। अच्छा सर, इतने दिनों की मेहनत की कमाई, कैसे कैसे मेहनत से व्यक्ति कमाता होगा, लेकिन ऐसे चोरी हो जाना। सर हम आपको अपना एक आप बीती बात बता रहे हैं। हमारे ये छोटे भाई हैं, साल भर पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें हम लोग 6-7 लाख रुपए लगा के इनको बचाए हैं। इनका हाथ भी कट गया है, दिखा दीजिए। उस वजह से हम लोग बहुत परेशान में थे, परेशानी में अभी भी हैं, क्योंकि अब तो जो भी था बचा खुचा, एक उम्मीद था कि चलो इमरजेंसी में आदमी उसी के लिए रखा रहता है कि चलो भाई कभी काम में आ सकता है, लेकिन वो भी हमें अंदाज से सब उठा ही ले गए हैं, अब कुछ बचा नहीं है। फिलहाल में तो अगर घर में ढूंढे तो 10 रुपए तक नहीं मिलेगा। चोरों का ऐसा दबदबा हो गया है। कितनी लगातार वीडियो बनाते हैं, लगातार गुजारिश करते हैं, और लगातार सिर्फ एक ही बात कि मुख्यमंत्री का जिला है साहब, यहाँ चोरियाँ हो रही हैं।